हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे नारियल पेड़ा बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले पैन रख लेते हैं गर्म होने के लिए, और इसमें डाल लेंगे एक कप करीब। हमने दूध ले लिया है तो वो डाल लिया हमने, और इसमें डाल लेंगे अभी केसर वाला दूध। तो थोड़ा सा केसर डाल के हमने दूध रख लिया था, और वो इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल लेना है चीनी। तो चीनी हमने, मीठा सबको अलग अलग पसंद होता है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम। तो हमने 3 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी डाल ली है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल लीजिए, और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। तो देखिए बॉईल आने लग गया है, तो ऐसे हमने चारों तरफ से इसको चला के ऐसे बॉईल करने के लिए छोड़ देना। तो मैंने करीब 1 कप मैंने इसमें खोया डाल दिया। तो अगर आपके पास खोया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 लीटर दूध ऐसे ही गर्म करके गाढ़ा कर लीजिए, और इसको ऐसे ही चलाते हुए बॉईल लाना है इसमें। तो देखिए अभी धीरे धीरे ये बिल्कुल थिक होते जा रहा है। तो अब इसमें हमने इसमें 3 इलायची क्रश करके डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और देखिए तो जैसे ही थोड़ा थिक हो गया, और इसमें हमने डाल लेना है नारियल। तो ये नारियल का जो बुरादा होता है ना, मार्केट में मिल जाएगा आपको आसानी से। वो अब इसमें डाल के मिक्स कर देते हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से मिला दिया। और देखिए ये थिकनेस होनी चाहिए इसकी, तो ये अच्छे से आपके जो आप शेप देना चाहें वैसे शेप में आ जाएगा। ठंडा हमने रख दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए, करीब 2 मिनट के लिए हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। पूरा ठंडे नहीं करना हमने, तो शेप में नहीं आएगा। शेप में दे देना। तो ऐसे इतनी साइज के हमने ले लिया है, और इसको बिल्कुल बॉल की तरह गोल बना के, और इसे बीच में प्रेस करके हमने पेड़े की शेप में दे देना है। इस तरीके से हमने सारे पेड़े बना लिए हैं, और बिल्कुल अच्छा सा शेप आ गया। और इसको अब सूखे नारियल में हमने लपेट के रख लिया है। इसी तरीके से हमने सारे नारियल के पेड़े बना लिए, और आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। और देखिए बिल्कुल तैयार है हमारे नारियल के पेड़े। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।